फ्रेंड्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करने जा रहा हूं, क्योंकि कमेंट्स की जो स्पीड है वो बढ़ चुकी है मेरे चैनल के अंदर। बहुत ज्यादा परेशानी आ रही है लोगों के जीवन के अंदर। कोई जॉबलेस हो रहा है, जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम है, बिजनेस से रिलेटेड है, फैमिली में प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है, पारिवारिक जीवन के अंदर कुछ ना कुछ उथल पुथल स्टार्ट हो गई। तो क्यों हो रहा है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, मैं आपको समझा देता हूं। क्योंकि बहुत से ऐसे ग्रह हैं जो अभी अपनी स्थिति को चेंज कर रहे हैं। जैसे जो बृहस्पति है वो कन्या से तुला राशि में जा रहे हैं, साथ साथ में जो शनि है वो वक्री हो गए, यानी कि पीछे की ओर जा रहे हैं, आगे की ओर जाने की बजाय, यानी वो जा रहे हैं धनु से वृश्चिक के अंदर। और साथ साथ में राहु भी अपनी राशि परिवर्तन कर रहा है, यानी राहु केतु दोनों ही अपनी स्थिति को चेंज कर रहे हैं। और ये जो समय है ये है जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 3 महीने जो है उसके अंदर सारे परिवर्तन ये होंगे। और जो स्पीड है ग्रहों की वो काफी ज्यादा तेज हो चुकी है, कोई अपनी पोजीशन से दूसरी पे जा रहा है, और इस कारण से बहुत परिवर्तन आ रहा है। और इसका लॉजिक जो है वो सीधा सा लॉजिक यही है, क्योंकि राशियों के अंदर जो परिवर्तन हो रहा है, राशियों में जो चेंजेस हो रहा है, ग्रहों में जो चेंजेस हो रहे हैं, उसका जो इफेक्ट है वो सीधा सा आप लोगों पर पड़ने वाला है। और ये जो प्रॉब्लम्स है वो आप अभी फेस कर रहे होंगे, तो मैं आपको सीधा सा इसका एक आंसर देना चाहूंगा, एक बात आप लोगों को समझाना चाहूंगा कि इस 3 महीनों में आपको कोई भी बड़े डिसीजन नहीं लेने हैं और कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना है जो आपके लिए बाद में कोई ना कोई ऐसा कारण बन जाए कि आप परेशानी उस परेशानी में उलझ जाए और लंबे समय तक वो परेशानी चले आपके साथ चले। तो आप उस जो समस्या है जो आपके जीवन में ना आए, तो इसलिए इन 3 महीनों में आप शांत रहें। 3 महीनों में आप कोई भी बड़ा एक्शन ना ले, कोई डिसीजन ना ले, भले वो पारिवारिक रूप से चल रहा हो या फिर बिजनेस में चल रहा हो, जॉब में चल रहा हो। तो इस जगह आपको करना क्या है, इस जगह आपको कूल रहना है। जो सिचुएशंस बन रही है आपके आसपास उसको सिर्फ ऑब्जर्व करना है, एक्शन नहीं लेना है। क्योंकि अगर आप एक्शन लेंगे तो कहीं ना कहीं ग्रहों के चक्कर में आप उलझ जाएंगे और आपको इसका बुरा सामना करना पड़ सकता है, हो सकता है आपके ऊपर बुरे प्रभाव पड़े। और साथ साथ में अगर आपका जो दूसरा घर है उस घर के अंदर गुरु, शनि, राहु ये ग्रह बैठे हैं, तो ये तो मेन परिवर्तन कर ही रहे हैं। तो अगर आपके दूसरे घर में ये है तो आप ध्यान रखें, वाणी का ये घर है तो सोच समझ कर बोले, कुछ भी बुरा आपके साथ हो सकता है अगर आपने यहाँ पर ध्यान नहीं दिया। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी, क्योंकि काफी कमेंट्स आ रहे थे, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। आप बस ग्रहों को भी इतना नहीं समझ पाएंगे कि ये वक्री क्या होता है, क्या इनकी दृष्टि होती है, लग्न कुंडली क्या होती है, और इसके साथ साथ में कौन से मैत्री ग्रह हैं, कौन कौन से उच्च के हैं, नीच के हैं, तो ये सारी चीजें मैं आपको कुंडली टॉपिक में क्लियर कर दूंगा। लेकिन अभी रिसेंटली मैं आपको ये चीज समझा देना चाहता हूं कि भाई आप इन 3 महीनों में सिर्फ शांत रहें, कूल रहें, परेशानियां जो आ रही है जीवन में आपके सामने, सिचुएशन क्रिएट हो रही है उसको ऑब्जर्व करें, उसमें आप अपना एक्शन ना लें, क्योंकि एक्शन लेंगे तो उसके परिणाम आपको गलत भोगने पड़ेंगे। और ये 3 महीनों के बाद काफी सिचुएशन चेंज हो जाएगी और आपको इसका रिजल्ट भी पॉजिटिव मिलना स्टार्ट हो जाएगा। जो अभी परेशानियां है वो नहीं रहेगी, वो दूर चली जाएगी। और इसके साथ साथ में अगर इन परेशानियों से आपको बचना है तो मेडिटेशन का सहारा लें, ये 3 महीने मेडिटेशन आपको काफी हेल्प करेंगे। ओके, थैंक यू।